तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़र की तरफ से ये सवाल आ रहे थे कि MIUI 12.5 का जो अपडेट है हमारे इंडिया में कब देखने को मिलेगा और साथ में इसमें क्या नया फीचर्स होने वाला है, क्या ये MIUI 12 के जैसा ही होगा या फिर अलग होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर दोस्तों आप सभी को किसी भी अपडेट का लिंक चाहिए, मेरे टेलीग्राम पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, जहाँ पर आप सभी को हर रोज नया अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रेडमी नोट 7, नोट 7S, रेडमी नोट 8, नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 9, नोट 9 प्रो, रेडमी 8, रेडमी 8, रेडमी 8 12, मतलब जो भी नए स्मार्टफोन हैं, पुराने स्मार्टफोन हैं, जो 1 ईयर 2 ईयर हो गए हैं, या फिर जो लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, पोको के बहुत सारे स्मार्टफोन हैं। तो दोस्तों, इन सभी डिवाइस के जो यूज़र हैं उनके तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवाल आने लगे कि MIUI 12.5 का जो अपडेट है हमारे इंडिया में कब देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आप लोग कुछ दिन पहले ही MIUI 12.5 का स्टेबल बीटा टेस्टर अप्लाई किया था। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपका डिवाइस सिलेक्ट हुआ है वहाँ पर, तो आप सभी को ऑफिशियल अपडेट मिलने से पहले ही आप सभी को अपडेट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 दिन पहले ही आप सभी को अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हो, अभी चाइना में अपडेट को रोल आउट किया जा रहा है टेस्टिंग के दौरान, और अभी हमारे इंडिया में आप सभी को अपडेट को आने में कम से कम इस मई के मिड या एंड तक लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी चाइना में पूरी तरह से टेस्टिंग कंप्लीट नहीं किया गया है सभी डिवाइस के लिए। जी हाँ दोस्तों, चाइना में अभी सभी डिवाइस के लिए टेस्टिंग किया जा रहा है। वहाँ पर जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक ग्लोबल और इंडिया में अपडेट को रोल आउट किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं, जो कि आप सभी को मई के मिड या एंड तक लग सकता है, जबकि चाइना में आप सभी को अप्रैल के एंड तक हो सके तो सारे डिवाइस के लिए अपडेट पुश कर दे वहाँ पर। और दोस्तों, काफ़ी यूजर का ये कहना है कि इस अपडेट में क्या नया होने वाला है, क्या नया फीचर्स है। तो दोस्तों, आप लोग कई सारे यूट्यूबर के वीडियो देख लिए होंगे कि MIUI 12.5 जो है, और Xiaomi का यही कहना है कि आप सभी को आने वाला अब तक में जितने भी सारे अपडेट मिले हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि MIUI 12.5 में आपका जो पावर बटन ऑफ ऑन करते हैं, जो उसका भी कस्टमाइजेशन, उनका भी जो देखने का स्टाइल है वो भी चेंज कर दिया जाएगा। मतलब MIUI 12.5 में आपका जो डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम करेगा, लैग थोड़ा भी नहीं करेगा, बग फ्री होगा, एड्स फ्री होगा। मतलब Xiaomi का यही कहना है कि आप सभी को MIUI 12.5 में आप सभी को अब तक में जो भी अपडेट देखने को मिले हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग होगा, और ये आप सभी को MIUI 13 के थोड़े मोड़े फीचर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, और साथ में नए सिक्योरिटी पैच के साथ जो है अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मतलब MIUI 12.5 में इतने सारे फीचर्स जो हैं देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को बस इस वीडियो में यही बताना चाहता था। और दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा हम आप सभी को सबसे पहले बता देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।